हाँ, शादी ही मेरा केस है मैडम। मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करोगी? ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। अरे भैया, आपको बाहर बोर्ड नहीं दिखा बड़ा बड़ा? महिला पुलिस थाना और वर्दी में लोग दिख नहीं रहे हैं आपको? मैरिज ब्यूरो खोल रखा है हमने यहाँ पे। शहर में किसी भी मैरिज ब्यूरो के पास मेरा प्रॉब्लम का हल नहीं है मैडम। नहीं नहीं, एक मिनट, आप साफ साफ शब्दों में बताइए कि आपकी परेशानी आखिर है क्या? मेरा नाम प्यारे मोहन है, मैं शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ, एक छोटा सा परिवार शुरू करना चाहता हूँ, पर मेरे इस छोटे हाइट की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। लड़की वाले मेरा कद देख के ही रिश्ता वापस ले जाते। मैडम, मैं एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेंटली और फिजिकली फिट हूँ, महीने का 70,000 कमाता हूँ मैडम। 70,000? आपसे मैच नहीं हो रहा है। मैडम, मैं शादी करके किसी भी लड़की को अच्छी लाइफ देने के लिए सक्षम हूँ, मैंने हर तरह से कोशिश की है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? अरे गुमशुदा हो जाओगे, उसमें बैग में दूसरा केस दर्ज करना पड़ेगा। आराम से बैठो, चेयर दे, कुर्सी दे, कुर्सी दे। ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर, मैंने चाइना से लेके अमेरिका तक और भूटान से लेके जापान तक हर जगह कोशिश की है। क्या मुझे शादी करने का, अच्छी लाइफ जीने का, खुश रहने का अधिकार नहीं है मैडम? क्या मेरी हाइट कम है तो इसलिए मैं अच्छा पति नहीं बन सकता मैडम? अभी आप ही बताइए, मैं खड़ा हूँ कि बैठा हूँ? बैठे हैं। अरे भाई, मैं खड़ा हूँ। बैठ के दिखाओ। हाँ, अभी बैठे हैं। ऐसा ही होता है मैडम। देखिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बड़े भैया? बड़े भैया, देखिए हम क्या कह रहे हैं, जोड़ियां तो ऊपर आसमान में बनती है, तो कोई ना कोई जरूर लिखा होगा आपके लिए और वो बहुत जल्द आ जाएगी आपके जीवन में, तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, बताइए बड़े भैया। कब आएगा आंटी जी? आंटी जी नहीं नहीं, ये हमारे बड़े भैया है ना, तो हम छोटी दीदी हुए ना। वो लड़की कब आएगी, मेरा वक्त निकल जाने के बाद? देखिए, वक्त तो हमारी मैडम सर का भी निकल गया है, लेकिन देखो वो कितने खुश है। आप अपनी शादी के बारे में सोचिए संतोष शर्मा। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब भी मुझे शादी करनी होगी तब तब का संतोष, तब का बोली जल्दी। तब मैं भी यही चाहूंगी ना कि कोई अच्छा वेल सेटल लड़का मिले मुझे। यहाँ तक तो ठीक है, आगे बताइए। अब जो कि आप हैं। ना संतोष जी, ना। तो मैं इसे हार समझूं? मैं अपने फैमिली वालों को बुला के लाता हूँ। पक्का समझो। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था संतोष शर्मा? देखा मैडम, ऐसे ही लड़कियां बातें बनाती है, लेकिन सच तो ये है कि हम जैसे ईमानदार और काबिल लड़कों की जरूरत नहीं है। हर एक लड़की को हैंडसम, टॉल और गुड लुकिंग लड़का चाहिए, भले ही वो करप्ट और बेईमान क्यों ना हो। मैडम सर, लेकिन सही बोल रहे हैं, इनका तकलीफ जो है ना बड़ा ही दुखदाई है। इनका जो असल दर्द है ना, वो कोई फील नहीं कर सकता, बस उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये दुनिया में जो कोई भी आदमी है ना, हर किसी को एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। नहीं, शादी के लिए। अरे लेकिन शादी के बाद आशिक का तो दी एंड ही हो जाता है ना। तुम्हें कौन सा हाइट का प्रॉब्लम है बे? पिलाटे। तो क्या आप मेरी तकलीफ का हल निकालोगे? अगर आप नहीं चाहती कि मैं जान दूं, तो आपको साम दाम दंड भेद से मेरी शादी करवानी होगी, नहीं तो मैं तब तक क्या कहा तब तक भैया तब तक नहीं यहीं बैठा रहूंगा। संतु जी बाप एकदम नन्ही सी जान, कितना ज्यादा मेहनत करेंगी आप संतु जी। ए बदनाम, चाय दे इनको। ए नहीं, चाय नहीं बदनाम आपकी चाय नहीं, प्लीज। चाय मत दे। संतु जी कितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा आप। आपको पता है हमारी एक दूर की रिश्तेदार थी, वो भी ऐसे ही बहुत ज्यादा मेहनत करती थी संतु जी। इतनी मेहनत की उन्होंने तो पक्का कुछ बनी होंगी वो। बनी ना, दो बच्चों का माँ बनी,
धर्म पत्नी बनी, एक अच्छा बहू बनी, 16 सोमवार का लगातार मेहनत वाला व्रत रखी थी, उसके बाद से उनको इतना ज्यादा प्यार करने वाला पति मिला। लेकिन संतु जी, आप एक बार इशारा तो कर दीजिए, आप एक बार इशारा कर दीजिए, टप से आपकी जिंदगी में आ जाएंगे हम संतु जी। क्या आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा? हम ये बोल रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं, क्या क्या अब ये मैट्रिमोनियल साइट पर? संतु जी, मैट्रिमोनियल साइट पे क्यों ढूंढ रहे हैं? एक बार हाँ बोल दीजिए ना, हाँ का तुरंत मान जाएंगे हम, तुरंत आ जाएंगे आपकी जिंदगी में। संतु जी बोलिए। प्यारे जी ने जिस मैट्रिमोनियल साइट पर अपना वेडिंग एप्लीकेशन डाला है ना, उसकी लिस्ट बनाने मैडम सर ने कहा था ना, वो कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, कीजिए कीजिए। अरे बुआ, अरे बाबू, ए कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? जा नहीं रहे, आ रहे हैं, यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं हम। रहने के लिए? अरे बुआ, कहाँ 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 रहने के लिए आ रहे हैं आप? कहाँ? एक मिनट, एक में एक। अरे डरिए 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 मत, इधर आइए बैठिए। अरे यार, डरते कहाँ हैं आप? हम ही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कहाँ रहने के लिए जा रहे हैं आप? थाने में। जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक हम इस थाने में रहेंगे। का समझे हैं? अपने बाबूजी का धर्मशाला समझे हैं का, कि जहाँ मन वहाँ तशरीफ टिका दिए? अरे यार, ये लैपटॉप। संतु जी, क्या हो गया? क्या हुआ आपको संतु जी? मम्मी, क्या हुआ? नहीं, ये लैपटॉप, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। सो लैपटॉप है सब, हम डर गए ना संतु जी। हमको बोले लैपटॉप का दिक्कत, हम फोन करते इसके मैकेनिक को। एक सेकंड रुकिए, ये फोन रखे था, ये देखिए। हेलो, भोला, जरा बताइए। अब आप भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब से ये लैपटॉप लिया ना, तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पता है? कभी हैंग हो जाता है, कभी बराबर चलता नहीं है, अपने आप गर्म हो जाता है, कभी कभी अचानक से ही वो सॉफ्टवेयर अपडेट मांगने लगता है, तो प्रॉब्लम बहुत है इस लैपटॉप में। हाँ, ये हो गया। एक मिनट, जादू, आपकी उंगलियों में जादू है, क्या है गजब यार? नहीं, वो टेक्निकल इशू है, कैश मेमोरी ज्यादा हो गया था, वो डिलीट कर दिया है, और उसकी वजह से थोड़ा हिट मार रहा था। ज्यादा काम करके तो ऐसा ही होता है, थोड़ा कम काम कीजिए। थैंक यू सो मच। आप कौन कहता है कि आप छोटे, आप इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। फिर भी हमें कोई लड़की नहीं मिल रही है। अब देखिए, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी आपका कोई लाइफ पार्टनर जरूर बना होगा। आपको सच में लगता है? हाँ, आप हमारी मैडम सर को जानते नहीं है, वो यूं केस सॉल्व कर देती हैं। आप एक मिनट रुकिए, मैं मैडम सर को कॉल करती हूँ। अब जय हिंद मैडम सर। जी मैडम सर, आपने वो प्यारे जी की केस में वो डिटेल्स मांगी थी ना, जी वो मैंने आपको मेल कर दिया। बताइए, आप आइए अंदर। जी आइए आइए। थैंक यू। मेरा लैपटॉप। आइए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं हम। हाँ हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, आप इस झमेले में काहे पड़ रही हैं ना? मतलब हम एक का शादी कराएंगे ना, 10,000 लोग आ जाएंगे अपना मंगलसूत्र और अपना बायोडेटा लेकर। मैडम सर, ये महिला पुलिस थाना है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है, आप समझ रही हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन प्यारे ने हमसे मदद मांगी है। वो हर जगह बेचारा कोशिश कर चुका है, दुनिया भर में एप्लीकेशन दे चुका है, लोगों से मदद मांग चुका है, पंडितों से, यहाँ तक नेताओं तक के पास भी पहुँच गया। और लोग क्या कर रहे हैं? उसे धुतकार रहे हैं, उसे नकार रहे हैं, उसे सिवाय रिजेक्शन के और कुछ नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ आया है मदद करने के। करिश्मा सिंह, देखिए रिजेक्शन कितना पेनफुल होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। और ऊपर से उसके आसपास का माहौल, उसकी उम्र के जितने लोग हैं, उन सब की एक एक करके शादी हो गई है। और आप अच्छे से जानती हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज कैसा है। हर जगह उसे सिवाय तानों के, सिवाय रिजेक्शन के और कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में हर जगह से घूम फिर कर वो फाइनली हमारे थाने आया है, तो हम उसकी मदद करना चाहते हैं। मैडम सर, ये तो आप फिर से वो जज्बाती एंगल से देख रही हैं ना। मतलब हम किसी के शारीरिक और मानसिक अवस्था के आधार पर नहीं बता सकते कि इंसान सही है या गलत। हो सकता है कि कद का दिक्कत ना हो सकता है वो इंसान अच्छा ना हो सकता है उसमें कुछ तो ऐसा बुराई हो, कुछ स्वभाव उसका अच्छा ना हो कि लड़कियां उसको पसंद नहीं कर रही हैं, ऐसा भी तो हो सकता ना मैडम सर। लड़का गुणी है, कमाता भी अच्छा है, अब कद का क्या है?
शादी के बाद लड़की थोड़ी ना रोज घर के बल्ब बदलवाएगी, इससे जरूर कुंडली में ही कोई दोष होगा। कुंडली है तुम्हारे पास? हाँ है ना। ये सब साथ में लेके चल रहा है। कोई मिली कुंडली तो खोल। सबर करना यार, तुम सबर कर। लड़की ढूंढना है आपके लिए, जामुन थोड़ी चढ़ना है कि उसे उड़ा के तोड़ लिया आपके लिए। सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है। हमें तो कड़वा भी चलेगा। माँ ये बहुत ही ओवरफ्लो हो रहा है, इसका कुछ करो, कुंडली में क्या दोष है देखो। एक मिनट, उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आप MM है या नहीं। MM? MM मतलब? मैरिज मटेरियल। वो कैसे पता चलता है? सब्जियों के बारे में पता होना चाहिए। नहीं मतलब अगर भिंडी मंगाए तो टिंडा नहीं आना चाहिए, करेला मंगाए तो ककड़ी नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात को? आप पूछिए पूछिए, मुझे सब्जियों के बारे में सब पता है। अच्छा, हर सब्जी के बारे में पता है? हाँ, मैं आग बंद करके छू के बता सकता हूँ कि कौन सी सब्जी है। अच्छा, तो फिर अगर तुमने ये सब्जी परीक्षा पास कर ली तो फिर हम मान लेंगे कि तुम एकदम पति मटेरियल हो। मंजूर है। प्यारे जी। हाँ बताइए, ये कितनी उंगलियां है? अरे भाई, जब आंखों में पट्टी बंधी है, दिख नहीं रहा है तो कैसे बताऊंगा मैं। ओके, तो हम खेल शुरू करते हैं। KBS, कौन बनेगा सब्जी पति? बताओ कौन बनेगा सब्जी पति में आपका स्वागत है। तो आपके सामने पहली सब्जी पेश होने जा रही है। ये रही पहली सब्जी आपके हाथ में, पहचानिए ये कौन सी सब्जी है। बैंगन। सेकंड सब्जी आपके सामने ये रही, बताइए। करेला। ये भी पहचान लिया। आपके सामने तीसरी सब्जी। सब्जी आपको पेश, ये सब्जी आपकी हो गई। देखा, मर्दों को पता होता है सब्जियों के बारे में। एक लड़कियां ही होती है जो अपने पति में ना ऐसे दोष निकालती रहती है। तो मैडम जी, मैं हूँ ना हस्बैंड मटेरियल। हाँ हाँ हाँ, तुम हो एकदम सर्वगुण संपन्न पति, आदर्श पति, एकदम पति मटेरियल। वाकई हर लड़की को आपके जैसा ही हस्बैंड चाहिए। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू? मैं मेरे मम्मी पापा को बुला के लाऊं? नहीं, एक मिनट संतोष, इधर आइए। सब्जी पर रिसर्च करके अपन आपको साइंटिस्ट समझ रहे हैं क्या जी? बीवी से क्या दुकान खुलवाएगा सब्जी का? 24 घंटा ही निशाचर आदमी अपनी बीवी से ना सब्जी ही बनवाएगा। पुष्पा जी देख लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं उससे सब्जियां नहीं बनाऊंगा, सब्जी तो मैं खुद बनाऊंगा। बस मुझे एक जीवन साथी चाहिए। हाँ तो मिलेगा ना तुमको हाथी, सॉरी साथी। सब्र रखो ना यार, मिलेगा तुमको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक अच्छे साथी की जरूरत तो हर किसी को होती है। तो दिलवाइए ना साथी मैडम, वादा किया था ना आपने 48 घंटे में आप मेरी शादी करवा देगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो पाएगा। नहीं नहीं, देखिए आप प्लीज ऐसे मत कहिए, अब हमने वादा किया है तो अब निभा कर तो रहेंगे, और अगर कोई नहीं मिला तो हम करेंगे आपसे शादी। मैडम सर, शादी? मैडम सर, आप ये कहाँ बोल रही हैं? देखिए करिश्मा सिंह, इन्हें लगता है कि इनकी शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनमें कोई कमी है। हम ये सब कर रहे हैं सिर्फ इनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ठीक है? मैडम सर, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही हो गया? आप शायद, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ओके ओके। देखो, तुम्हें जरूर एक बहुत अच्छी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिलेगी। हाँ हाँ मिलेगी, बहुत मैरिज मटेरियल लड़की मिलेगी। रोमांस के नाम पर प्रवचन, प्यार के नाम पर ज्ञान, और खाने के नाम पर तजुर्बे मिलेंगे भाई साहब। बहुत मैरिज मटेरियल है हमारी लड़की, जज्बात ही जज्बात। निकालना पड़ेगा मैडम सर को इस जज्बाती दौरे से भैया। कैसे लेकिन, कैसे कैसे? हाँ एक तरीका हो सकता है। क्या? ऐसे ही हम भी एकदम चौक गए थे, एकदम भौचक्का रह गए थे कि क्या बोल गए बे तुम।
अपना मतलब कहता है जैसे हमारा परीक्षा लिया गया ऐसे हम भी परीक्षा लेंगे कि वो वाइफ मटेरियल है कि नहीं है, बताइए। ये क्या बकवास है? यही यही हमने बोला अम्मा, क्या बकवास है ये, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे घटिया बकवास लोगों को ना हम बाहर निकालते हैं, अभी बाहर निकालते हैं उसको। करिश्मा सिंह, लेकिन लेकिन वही वही हमने सोचा कि ठीक होगा उनको ऐसा बाहर निकालना, पर फिर हमने सोचा कि काहे ठीक नहीं होगा, अभी जाके बाहर निकालते हैं मैडम सर हम उसको, उसका हिम्मत कैसे हुआ? करिश्मा सिंह शांत, वो हमसे मदद मांगने आया है। यही मैडम सर, वो हमसे मदद मांगने आया है और आज तक महिला पुलिस थाना से कोई ऐसे खाली हाथ बाहर नहीं गया है ना मैडम सर? आप टेंशन मत लीजिए, हम क्या करते हैं ना पुष्पा जी के साथ उनको भेज देते हैं पंडित के पास। अब वो क्या है ना, पंडित उनको अच्छी सी लड़की दिखा देगा, सही डेट निकाल के उनका क्या कहते हैं डेट फिक्स करा देगा। इससे क्या होगा कि उनका इच्छा पूर्ति पूरा हो जाएगा, समझ रही हैं आप मैडम सर? नहीं मैडम सर अब आप कुछ मत बोलिएगा, हम है ना, आप हम पे भरोसा करके देखें, हम सब संभाल लेंगे, सब अच्छा हो जाएगा मैडम सर। ठीक है आप चाय पियेंगी? आपके लिए कड़क चाय भिजवाते हैं, आप चाय पीजिएगा ठीक है? हाँ हाँ, जय हिंद मैडम सर। जय। बहुत हुआ तुम्हारा ये जज्बाती चोचला गिरी, अब हम नहीं सुनेंगे, चलो हमारे साथ पंडित के पास, तुम्हारा लगन कराते हैं, तुम्हारे टंटा खत्म करते हैं, चलो। ये चीटिंग है। हाँ देखो चीटिंग तो है, मेरा मतलब है कि ये जो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं तो चीटिंग ही है ना। ओफ, ये कबर वाला मासूमियत। कौन सा मासूमियत? नहीं कुछ नहीं मैडम, ऐसा नहीं। तुमको पता है भाई साहब ने क्या किया है? क्या किया? इन्होंने हमको बोला है कि जैसे मैडम सर ने इनका टेस्ट लिया है ना कि ये मैरिज मटेरियल है कि नहीं है, ऐसे अब इनको मैडम सर का टेस्ट लेना है कि मैडम सर मैरिज मटेरियल है कि नहीं है। एक सेकेंड, आपकी इतनी हिम्मत, क्या आपने मैडम सर के लिए बोला कि वो मैरिज मटेरियल नहीं? बताइए मैडम सर। कौन कहता है कि हम मैरिज मटेरियल नहीं है? हम है मैडम सर। क्या लग रही है आप? बिल्लो गिरे भी इंसान कितनी बार गिरेगा? बिलोटे इसका मुंह बंद कर, इसके मन का भाव स्पष्ट दिख रहा है। तो प्यारे जी, अभी भी तुम कहोगे कि मैडम सर मैरिज मटेरियल नहीं है? मैंने कब कहा? क्या आप ही ने कहा था ना करिश्मा मैडम ने कहा, आपने कहा मैडम सर मैरिज मटेरियल नहीं है। कहा था इन्होंने, कहा ऐसे झूठ मत बोलो, आपने कहा था कि नहीं है। नहीं हमने बिल्कुल नहीं कहा। कहा झूठ बोल रहे हो बे, कहा झूठ बोल रहे हो, कैसे गिरगिट जैसा रंग बदल रहा, देखो ये आदमी, तुमने नहीं कहा था? हाँ झूठ मत बोलो अभी। नहीं मैम हमने कुछ नहीं कहा। एक मिनट नहीं ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ तो आप बोल रही है। अच्छा हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, कुछ हाँ, भी हाँ, हाँ। हम मत कहिए, हम आपकी सास हैं, जितना हम जानते हैं ना आपको कोई भी नहीं जानता हमको। पर मैडम सर इनकी ना एक आदत है, जब भी ये झूठ बोलती है ना वो ऐसे 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 करती है, देखिए ना अभी भी वैसा ही कर रही थी वो। ये झूठ बोलती, ये इन्होंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा। करिश्मा सिंह आपने हमसे झूठ कहा? नहीं मैडम सर, ये बस अब और कुछ नहीं सुनना चाहते हम। आप जानती भी हो आपने क्या किया है? आपने इस इंसान के साथ वही किया है जो पूरी दुनिया इसके साथ करती आई है, इनका मजाक उड़ाया है और आपके इस गंदे मजाक से इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को और इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंची है। मैडम सर नहीं करिश्मा सिंह, आपको जो करना था आप कर चुकी हैं, हमें कुछ नहीं सुनना। खामखा हमने प्यारे जी रो नहीं बड़े भैया, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो बात नहीं है तो ये फिर से गुमशुदा, ए निकाल निकाल निकाल। आज की ताजा न्यूज क्या है? नहीं ये गजरा मैं मैडम जी के लिए लाया था।
उनके बालों में लगाने के लिए, पर अगर मैडम जी मान भी जाती तो भी ये गजरा लगाने के लिए मुझे स्टूल का सहारा लेना पड़ता। आज मुझे पता चला कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहती। जो आदमी अपने पत्नी के बालों में गजरा लगाने के लायक ना हो उससे भला कौन सी लड़की शादी करेगी। थैंक यू करिश्मा मैम, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कमी सिर्फ मुझ में है, उन लड़कियों में नहीं जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। जब कमी तो मुझ में ही। एक मिनट, लीजिए मैडम आइए। और हमें गजरा लगाई। क्या हुआ? मुझे गजरा लगाना नहीं आता। मर्दे लेके घूम रहे थे, लगाने ही नहीं आता। फर्स्ट टाइम ना। प्यारे जी, तजुर्बा कहता है हमारा कि इंसान की मायार से, उसकी खूबियों से उसका कद बड़ा होता है, उसकी जिस्मानी कद से नहीं। पर आपका कद, आपकी कमी बिल्कुल भी नहीं, आपके लायक सही लड़की मिलेगी। थैंक यू मैम, पर ये कहने सुनने की बात है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। असल में देखा जाए तो मेरी हैसियत ही नहीं है किसी का पति बनूं। शायद मुझे लगता है कि मेरा कर कभी नहीं बसेगा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मेहरबानी करके मेरी मदद कर दीजिए। अरे क्या हुआ? वो मेरी छोटी बेटी आरती है ना, उसका कुत्ता पाइप में। मैडम जी प्लीज चलिए ना, चलिए कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए।